हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन ये टॉपिक पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड कुछ डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ थ्योरम्स और पढ़ेंगे। तो थ्योरम हमारे पास, एक पहले हम कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, बाद में हम कॉन्वेक्स फंक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो थ्योरम में जो है वो है अपने पास द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। फ्रेंड्स, ये थ्योरम हमारे पास टू कॉन्वेक्स सेट के इंटरसेक्शन के लिए है, बट अगर हम एन कॉन्वेक्स सेट लें, उनका भी इंटरसेक्शन निकालें, तो भी वो ये थ्योरम प्रूफ होगी। सेकंड थ्योरम है अपने पास द इंटरसेक्शन ऑफ एन कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। तो फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्रूव कर दूंगा तो n बराबर 2 के लिए भी ये प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रूफ। लेट s1 s2 .sn आर n कॉन्वेक्स सेट। हमने एज्यूम किया है कि जो s1 s2 .sn जो हैं, ये सारे s1 s2 sn तक ये जो सेट है कॉन्वेक्स सेट है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हमने इनका एक इंटरसेक्शन को एक अलग से सेट एज्यूम किया। ले एक्स बराबर जो सेट है वो है इस तरह से x1 intersection s2 intersection और इंटरसेक्शन ऑफ sn तक। तो ये x जो सेट है वो इन सभी सेट का इंटरसेक्शन है। अब हमें शो करना है जो x सेट है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या किया, सपोज किया, लेट इसमें से हमने कोई दो पॉइंट एज्यूम करने हैं। तो लेट x1 and x2 are two distinct point in x। अगर फिर एक पॉइंट है, अगर इसमें कॉन्वेक्स सेट में अगर एक पॉइंट है तो उस कंडीशन में तो ऑटोमेटिक कॉन्वेक्स हो जाएगा, बट अगर टू कॉन्वेक्स है, टू पॉइंट्स है, तो उसके लिए हमें प्रूव करना होगा। हम डिस्ट्रिक्ट को हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लो, हम इसमें भी प्रूफ में भी हम डिस्ट्रिक्ट लेना ज़रूरी नहीं है। तो लेट x1 and x2 आर टू पॉइंट इन x, देन अगर ये x में है फ्रेंड्स तो उसे इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास x1 x2 belongs to s1 x1 x2 belongs to s2, इसी तरह x1 x2 belongs to sn, यानी हर जो कॉन्वेक्स सेट था उसमें भी ये पॉइंट होंगे। बट हमारे पास क्या लिया हुआ, हमने s1 जो है कॉन्वेक्स है, s2 और sn आर कॉन्वेक्स सेट हैं। तो फिर इस कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन से लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 belongs to s1, क्योंकि s1 कॉन्वेक्स है तो लेमडा, यहाँ पे लेमडा belongs to 0 1, ये होगा। साथ ही लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा, सॉरी x2 लेमडा belongs to 0 1 belongs to s2 करेगा। इसी तरह से लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 लेमडा यहाँ पे belong करेगा 0 1 के लिए भी ये belong sn में करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये s1 में भी है, s2 में भी है, s डॉट डॉट चलते हुए sn सभी में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू s1 इंटरसेक्शन s2 इंटरसेक्शन और चलते हुए sn तक। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसमें आ गया, यहाँ से इम्प्लाई कर गया हमारे पास कि इम्प्लाई दैट लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 बिलोंग्स टू x, सो x इज अ कॉन्वेक्स सेट।
फिर एक्स क्या है हमारे पास, वो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से थ्योरम प्रूफ हो जाती है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट। अब फिर हम यूनियन के लिए देखते हैं, तो यूनियन के लिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास यूनियन के लिए है, और वो थ्योरम इस तरह से है, लेट एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स सेट, देन एस वन यूनियन एस टू इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन अदर। फ्रेंड्स ये थ्योरम कह रहे हैं कि अगर एस वन एंड एस टू को दो कॉन्वेक्स सेट है, तो उस कंडीशन में उनका यूनियन जो होगा वो कॉन्वेक्स सेट होगा अगर एक कोई सेट दूसरे सेट को कंटेन किया होगा, यानी एक सेट जो होगा दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो इस तरह की थ्योरम है, पहले हम प्रूव करते हैं कि ये शो करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो सेट है उनका यूनियन कॉन्वेक्स सेट हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम सिंपली फर्स्ट शो कर रहे हैं यूनियन नीड नॉट टू बी कॉन्वेक्स, यूनियन नीड नॉट बी कॉन्वेक्स। तो फ्रेंड्स उसे कई कई एग्जांपल ले सकते हैं हम जो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे दो सर्किल ले रहे हैं, ये हमने दो सर्किल ले ली फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट इन जो ये है एस वन एस टू, और ये पूरा शो कर रहा है एस वन यूनियन एस टू, अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो बाहर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये सेट जो है कॉन्वेक्स नहीं है। और भी एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स ये एक्सिस पे अगर एक सेट हम ये एक्सिस वाला लें, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ही है पूरा, तो ये कॉन्वेक्स सेट है एक्स एक्सिस यहाँ, और एक ले लें वाई सेट, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है। बट अगर एक्स वन यूनियन एक्स टू दोनों का, सॉरी एक्स वन एंड वाई दोनों अक्षों का यूनियन ले लें, तो उस कंडीशन में ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनको मिलाया, तो ये सारे पॉइंट इस लाइन से बाहर चले गए। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है कॉन्वेक्स नहीं है। अब फ्रेंड्स हम प्रूव करेंगे कि एस वन एंड एस टू आर कॉन्वेक्स सेट इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन अदर। तो अपनी सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम कर लिया, लेट एस वन सबसेट ऑफ एस टू, यानी एस टू जो है वो एस वन को कंटेन किए हुए है। तो एस वन कंटेन एस टू, और इसी तरह बाद में आप प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव नहीं करूँगा, आप प्रूव कर लेंगे कि एस टू सबसेट ऑफ एस वन हो, तो भी ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। देन एस वन यूनियन एस टू, क्योंकि एस टू कंटेन कर रहा है एस वन को फ्रेंड्स, यानी कि एस टू जो है वो सबसेट है एस वन का। देन एस वन यूनियन एस टू बराबर क्या आएगा हमारे पास, अगर कोई सेट है ये और इसमें दूसरा सेट कंटेन किया हुआ है, तो इसका एस वन यूनियन एस टू क्या आएगा हमारे पास, खुद जो सेट आएगा अपर सेट जो होगा वो आ जाएगा एस टू। तो एस वन यूनियन एस टू कॉन्वेक्स है, तो एस टू इम्प्लाई करके कॉन्वेक्स, सॉरी ये एस टू बराबर है, तो ये कॉन्वेक्स है, तो ये इम्प्लाई करके एस वन यूनियन एस टू इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया कि एस वन यूनियन एस टू इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो है हमारे पास पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट। पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट, तो फिर पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, वो होता है हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज हाफ स्पेस। क्लोज हाफ स्पेस मैंने पहले की वीडियो में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ।
क्लोज हाफ स्पेस होता है सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ये क्लोज हाफ स्पेस है, और सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड ये भी एक क्लोज हाफ स्पेस है। अब फ्रेंड्स इन इंटरसेट से इन जो सेट इस तरह जो सेट है उनका जो फाइनाइट नंबर में अगर सेट है उनका हम इंटरसेक्शन निकालें और जो वो सेट होता है तो वो सेट होता है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट। थैंक यू फ्रेंड्स।